हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपका चैनल भी यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सब कुछ आपने करके यहाँ पे देख लिया, पर 10 से 20 व्यूज यहाँ पे आते हैं आपकी वीडियोस पे और आपका चैनल यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा है, तो मैं आपको 100% प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से आप अपना चैनल को यहाँ ग्रो कर सकते हो। तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना, आई होप आपको यहाँ पे हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप अगर एक यूट्यूबर हैं और आप अपने चैनल को लेके यहाँ पे सीरियस हैं, तो सबसे पहले आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे पेशेंस नहीं रख सकते तो आप यहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर 2019 को मैंने अपना पहला वीडियो यहाँ पे अपलोड किया था और इस पर सिर्फ 69 व्यूज़ ही आए थे। तो अगर मैं सिर्फ ये व्यूज़ देख के ही अपना वीडियो यहाँ पे बंद कर देता, वीडियो बनाना बंद कर देता, अपलोड नहीं करता, तो शायद ही ये वीडियो मैं आप लोगों को यहाँ पे दे पा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है आप किसी की भी कॉपी यहाँ पे नहीं करें, क्योंकि आपने बहुत से यूट्यूबर को देखा होगा, वो बताते हैं कि आप अपना चैनल को फर्स्ट पे लाने के लिए, अपनी वीडियो को फर्स्ट पे लाने के लिए सर्च करिए और उनका लिंक और टाइटल कॉपी करिए और अपने चैनल पे यहाँ पे पेस्ट करिए और टाइटल को चेंज कर दीजिए। क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो इस तरीके से वर्क करता है कि अगर जो चीज़ किसी ने पहले डाल दी तो वो उसी को वहाँ पर शो करता है और उसको जो है फिर प्रमोट भी नहीं करता, क्योंकि वो ओल्ड हो जाता है। तो आप जो है किसी भी चीज़ की कॉपी यहाँ पर मत करिए, जो आपके माइंड में आता है उसी को आप यहाँ पर फ्लप करिए। फ्लप करने के बाद आप टैग और डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखिए और आपका चैनल यहाँ पे 100% ग्रो करेगा। तो ग्रो करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना कि मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे तो मैं यहाँ पे अपना चैनल को बंद कर दूँ, वीडियो बनाना बंद कर दूँ, और यहाँ पे आप वीडियो बनाना बंद कर देंगे तो फिर आप यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ पाने के लिए, आपको पता होगा, इतना ईजिली आपको यहाँ पे कुछ भी चीज़ यहाँ नहीं मिलती है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है वो है पेशेंस। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा और होप रखनी पड़ेगी कि आप यहाँ पे ग्रो ज़रूर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 5 अक्टूबर 2019 से 2 जनवरी 2020 तक यहाँ पे मैं वीडियो बनाता रहा और मेरे चैनल पे कोई भी व्यूज़ नहीं था, सिर्फ 10-20-60 व्यूज़ ही यहाँ पे आते थे। पर मैंने यहाँ पे वीडियो बनाना बंद नहीं किया, चाहे मेरे चैनल पे व्यूज़ आते हों या नहीं आते हों। तो आप ये हार मत मानना कि चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे तो यहाँ पे आप जो है अपना चैनल बंद कर दो। तो यहाँ पे आपको चैनल बंद नहीं करना और ना ही वीडियो अपलोड करना, यहाँ पे बंद करना है। तो आपको पेशेंस रखना है और वीडियो कंटिन्यू यहाँ पे अपलोड करनी है। तो अब बात करते हैं कि आप यहाँ पे वीडियो बना रहे हो पर आपका चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे, सिर्फ 10 या 20 व्यूज़ यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मेरे चैनल पे सिर्फ 69, 70 या 50 के तरह ही व्यूज़ यहाँ पे आते थे। तो मैंने यहाँ पे जो मैं अपने टॉपिक पे वीडियो बनाता था कंप्यूटर से रिलेटेड, तो मैंने यहाँ पे उस टॉपिक को यहाँ पे चेंज कर दिया। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही मोबाइल से रिलेटेड वीडियो बनाया, मैंने अपने घर के लिए पोको M2 प्रो लिया था, तो उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया फ्लिपकार्ट से किस तरीके से अपना रियलमी C1 यहाँ पे चेंज करने के बाद मैंने पोको M2 प्रो एक्सचेंज किया। तो यहाँ पे मैंने उसकी अनबॉक्सिंग करी, तो देख सकते हैं आप कि मैंने जैसे ही अनबॉक्सिंग करी यहाँ पे तो मेरे 1800 व्यू यहाँ पे आ गए। तो अगर आप अपने चैनल पे किसी टॉपिक पे बनाते हो वीडियो तो अगर वहाँ पे व्यूज़ नहीं आ रहे तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने चैनल का जो टॉपिक है वो यहाँ पे चेंज करो। तो आप जिस चैनल जिस टॉपिक पे वीडियो बनाते हो उस टॉपिक को यहाँ पे चेंज करो और दूसरे टॉपिक पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, तो आपको यहाँ पे ज़रूर ग्रो मिलेगा जैसे कि मुझे यहाँ पे मिला है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपकी वीडियो क्वालिटी। आप जो इससे वीडियो बनाते हैं वो वीडियो क्वालिटी आप कैसी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस वीडियोस में मेरे व्यू नहीं आ रहे थे उसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और यहाँ पे मेरा ऑडियो क्वालिटी भी उस वीडियो में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे माइक परचेस किया और मेरा जो मोबाइल था वो मैंने चेंज किया, नया मोबाइल लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो क्वालिटी और अपनी ऑडियो क्वालिटी यहाँ पे सही की। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई एक्सचेंज को लेकर, फ्लिपकार्ट एक्सचेंज को लेकर, तो उस पर भी मेरी जो व्यूज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव यहाँ पे होने लगे। वॉच टाइम भी यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। पहले जब मेरा वॉच टाइम था, जो वीडियोस थी उस पर बहुत ही कम वॉच टाइम था, 400 के आसपास था, पर अभी आप देख सकते हैं कि मेरा वॉच टाइम जो है यहाँ पे जैसे ही मैंने टॉपिक चेंज किया
अपने चैनल का, और मैंने जैसे ही यहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड वीडियो बनाया और ऑडियो क्वालिटी और अपनी वीडियो क्वालिटी यहाँ पे इम्प्रूव की, तो मेरा चैनल ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रो करने लगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे व्यूज़ भी बहुत अच्छे यहाँ पे आने लगे। तो आपको भी अगर आपके चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे, वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो की क्वालिटी यहाँ पे अच्छी रखनी है। फ्रेंड, यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ज़रूर यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने चैनल को यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको अपना चैनल ग्रो करना है तो आपको जो है टॉपिक यहाँ पे अच्छा रखना है, आपको वीडियो अपलोड करना बंद नहीं करना है, और आपको जो है वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी यहाँ पे सही रखनी है, और किसी का भी यहाँ पे कॉपी नहीं करना है। तो 100% आपको ग्रो यहाँ पे मिलेगी, और आपका जो टॉपिक आप जिस वीडियो पे बनाते हो उसको आप टॉपिक को चेंज कर दीजिए, तो आपका 100% यहाँ ग्रो करेगा। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।